अस्सलामुअलैकुम एंगलर्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ फिश एंड फन। और आज मैं आया हुआ हूँ दो दरिया, और दो दरिया आने की ख़ास वजह यह है कि ऑलमोस्ट सारे फ़िशिंग पॉइंट बंद हो चुके हैं और फ़िशिंग सीज़न भी तकरीबन ख़त्म है। कल से जो है वो पहला रोज़ा है, तो रमज़ान मुबारक सबसे पहले एडवांस में आप तमाम लोगों को और आपके घर वालों को। और आज का हमारा मोटिव ये है कि आज कुछ नया लर्न करें। तो आज मेरी कोशिश ये है कि आपको वीडियो में दिखाऊं कि किस तरीके से लाइव बेट पकड़ते हैं, और लाइव बेट पकड़ते हुए दिखाएंगे, फिर लाइव बेट को किस तरीके से जो है वो कांटे में लगाना है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आज का मेरा मकसद है आपको दिखाना है। और फिर मछली तो नसीब की है, और हो सकता है उस पर मछली आ जाए तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, आप उसको देखें और किस तरीके से हम लाइव बेट पकड़ते हैं, किस तरीके से उसको लगाते हैं, और होपफुली उस पर अच्छा शिकार भी करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिकार के एपिसोड में। अब कुछ गैप होगा क्योंकि अब हम फिशिंग नहीं करेंगे और रमज़ानुल मुबारक है, तो उसमें इबादत पे फोकस करेंगे। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आ गया, आ गया, आ गया, भर गया बस। ये वाली बड़ी है, लगाओ बड़ी वाली, वही है ना उसका, मारी भी आप लगा लो। फंस गई, चल गई, अब बीच में फंस गई, उसको निकाल किसी उंगली उंगली डाल के। किधर बीच में फंस गई? फेंक देना उसको, जाने दे, नहीं जा रही ना, उसका सर फंस गया, गई क्या? हाँ उस्ताद, ये थी के डब्बे के पास ही ले जा, बस ज्यादा नहीं मारना है। अच्छा खत्म, बस बस, ये बहुत है ना। हाँ ना, बहुत ज्यादा है, फिर जो है ना मरते हैं। जितने ये होते ना इतने हीरे थे, जितने ये लाजमी होते यार, क्योंकि हमने जो है ना, अच्छा ये भी इतने इतने होते थे ना, हम दस दस लगाते थे। ये कब की बात है? ये 10 साल पुरानी बात है, और एक दाना भी जाया नहीं जाता था। अभी तो ऐसा शिकार कश्ती में बैठ गई होता। नहीं है, कश्ती में भी है। हाँ लगा, फोकस कर। रेडी, क्या हुआ? देखी नहीं मैंने, कुछ मशहूर हो या ना हो, या हमारी बोतल मशहूर हो जाएगी लाइव बेट की। बड़ा लगा था, निकाल लूं बाहर, इसको गिरा दूं? हाँ गिरा दे,
होगी बड़ी अंदर, एक ये बड़ी नजर आ रही है मोटू, ये हाथ नहीं जा रहा मेरा, हाथ तो नहीं जाएगा अंदर। सही, ले ले। अब तू फेंकेगा कहाँ पे? आगे फेंक। उस साइड पे फिर फेंक, उस साइड क्यों, यहाँ पे एक डोरी करेंगे कहाँ पे, जल्दी कर, वही मर जाएगी। रुक जा, बस देख पीछे नहीं लगे, थोड़ा सा आगे हो और आगे हो। हाँ अब फेंको, लंबा गई है, सही है, स्टॉप कर दू स्टॉप। ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ा, करीब ला, असद करीब ला, बस ये अनहुक हो गई मछली कांटे से, अब हम इसको फ्राई के काबिल बनाएंगे। एक उधर से घूम जा, घूम, वाह भाई माशाल्लाह जबरदस्त। असद भाई कौन सा मछली है, क्या लगाया था आपने चारे में? जबरदस्त भाई, असद भाई को फिर से मछली लगी है, देखते हैं कौन सी मछली है। अरे वाह जबरदस्त माशाल्लाह, हीरा पकड़ा भाई, हीरा।
जबरदस्त फैजान भाई, माशाल्लाह। हीरा लगा भाई, हीरा हीरा। साइज में छोटा, मजे में बड़ा। अब हम इस मछली को अपने व्यूअर्स को अनहुक करना भी सिखाते हैं कि इसको अनहुक कैसे करें। अहमद भाई फोकस करें जरा। फोकस है, फोकस भाई। ये देखें, ये मछली है हाथ में, ये कांटा लगा हुआ है, इस तरीके से कांटे को निकाला और मछली अनहुक कर दिया। हाँ भाई एंग्लर्स, अब जो है वो हमें घिस्सर का शिकार लगा है। और ये घिस्सर जिस तरीके से हमने निकाला है, इसका तरीका वही है कि आपने ज़िंदा चारा पकड़ना है। ज़िंदा चारा पकड़ने की वीडियो आप पहले देख चुके हैं, और ज़िंदा बोई पे जो है वो माशाल्लाह से ये घिस्सर आया है। तो इसी तरीके से जो है वो आपने भी करना है, जब आप ज़िंदा चारा लगाएंगे आपको इसी तरह का बड़ा मछली लगेगा। तो उम्मीद है आज आपने वीडियो से ज़िंदा चारा भी पकड़ना सीख लिया, और उसको लगाना भी सीख लिया, और उससे बड़ी मछली निकालना भी सीख लिया। मिलते हैं अगली मछली के साथ। हाँ भाई एंग्लर्स, ये हमारा आज का शिकार है, और शिकार आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह में घिस्सर लगाया है, छोटे हीरे लगे हैं और कपड़तान लगाया है। तो मुख्तलिफ हमें मछलियाँ लगी हैं, और रमज़ान से पहले का जो है वो ये एक आखिरी शिकार था। अब इंशाल्लाह जो भी शिकार करेंगे वो रमज़ान के बाद करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अब हमें इससे बड़ी मछली लगेगी। तो आज तक के लिए जो है वो काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।